नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आपके साथ रमण महर्षि के प्रेजेंस में एक और लेक्चर लेकर आया हूं। आज मैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में रमण आंसर देने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है मोक्ष, मुक्ति कैसे मिलती है और क्या हम पुनर्जन्म के चक्र से बच सकते हैं या नहीं बच सकते। तो ये भाई साहब आए रमण के पास और उनसे पूछते हैं कि भगवान, उनको भगवान बुला करते थे लोग, कुछ लोग तो ये बोलते भगवान, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो रमण ने उसकी तरफ देखा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हें जो मोक्ष होता है उसके बारे में जानो कि क्या होता है मोक्ष। कि खाली ऐसे ही कोई भी चीज़ आपने कहीं पढ़ ली और किसी ने कह दिया कि बहुत अच्छी चीज़ है तो तुम्हें पाना है। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि मोक्ष को समझो, सीखो, जानो क्या है मोक्ष। तो जैसे कि हम होते हैं नॉर्मली, ऐसे ही ये भी आदमी है, ये अपने सवाल भी लेकर आया है और जवाब भी लेकर आया है रमण के सामने। फिर अगले सेंटेंस में पूछ रहा है, इनफैक्ट उनको सजेस्ट कर रहा है, इसको हम लोग लॉयर की भाषा में लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, कि उम्मीद करते हैं कि जो हम आंसर चाह रहे हैं वही वाला मिल जाए। तो इस आदमी ने पूछा है कि क्या हमको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, अगर हमको मोक्ष पाना है तो उपासना करना नहीं चाहिए अगर हम सचमुच में मुक्ति चाहते हैं तो। बट जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर आप किसी मास्टर के पास जाते हैं और उसके सामने कोई क्वेश्चन रख देते हैं, कोई भी चीज़ पूछते हैं, तो वो गहरी बात ही बताएगा। तो रमण ने ये नहीं कहा कि हाँ पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा जो पूजा पाठ है, जो वर्शिप है, एक्चुअली वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने का एक तरीका है। इसको चित्त निरोध कहा गया है कि हमारा माइंड जब यहाँ से वहाँ ड्रिफ्ट करता है, उस ड्रिफ्ट को रोक करके एक जगह लाने का, कॉन्सेंट्रेट करने का जो तरीका है, ढेर सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका पूजा पाठ भी है या तो वर्शिप भी है। मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत पूजा पाठ करता था और उसी के बारे में कंफ्यूज था, बिकॉज बहुत टाइम तक जब आप पूजा करके नहीं पाते हैं आप जो चीज़ चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस आदमी ने पूछा रमण से कि क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको नॉर्मल लोग बोलते हैं आइडल वर्शिप, मतलब कोई आपके सामने किसी की फ़ोटो रख कर या किसी की मूर्ति रख करके उसकी पूजा करनी की नहीं चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या इसका कोई नुकसान भी होता है। इसका जो आंसर दिया रमण ने बहुत ही डीप है, इसको बहुत आसानी से हम मिस कर जाएंगे। ऐसा होता है नॉर्मली मैथ्स में, अगर हम लोग कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर बहुत ही मुश्किल है तो हम लोग उस सवाल को ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो मैथ्स है नहीं, ये तो लाइफ है और इसमें तो हम लोगों का ज़िंदगी दांव पे रखा हुआ है। तो रमण ने कहा, जब तक तुम ये मानते हो कि तुम शरीर हो तब तक पूजा करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं उस आदमी की जगह होता तो मैं उनसे पूछना चाहता कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं और क्या हूँ और कैसे मैं उस चीज़ को जान सकता हूँ जो मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन इस आदमी ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, इस आदमी ने अपना क्वेश्चन ही बदल दिया, डायरेक्शन बदल दिया। और फिर इस आदमी ने क्वेश्चन पूछा कि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकल सकते हैं। रमण समझ गए होंगे कि ये आदमी बहुत गहराई में जा नहीं पा रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं खेलते रहते हैं, ठीक ऐसे ही। रमण ने कहा, सबसे पहले तो ये जानो कि जन्म और मृत्यु का चक्र है क्या। अगर तुम नहीं जानते और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो कभी नहीं निकल पाओगे। मैं तो चाहता था, जानना चाहता था कि मैं, अगर रमण के सामने मैं होता तो मैं उनसे पूछता है कि जन्म और मृत्यु कैसे होती है वगैरह वगैरह, उसकी गहराई में जानना चाहता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जानो, समझो, लेकिन आदमी ने अपनी बात फिर से बदल दी और इस बार उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अपने वाइफ को और अपने परिवार को छोड़ करके संन्यास या साधु या कुछ बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए। और बड़ी चक्र की बात है कि अगर कोई चीज़ आप पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, आप किसी की रजामंदी, किसी का पुश खोज रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। बिकॉज किसी को अगर अपने परिवार को छोड़कर संन्यास लेना ही होगा तो वो ज़्यादा पूछे पाछेगा नहीं, जो भी काम आपको करना होता है उसके बारे में आप बहुत कन्फ्यूज नहीं होते। लेकिन इस आदमी को कन्फ्यूजन था, तो रमण उस कन्फ्यूजन को जो जिस तरह से क्लियर करते हैं, प्लीज़ आप अपने लिए भी सोच लीजिए। रमण कहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारा परिवार और तुम्हारी फैमिली किस तरह से, तुम्हारी वाइफ रोकती है, नुकसान कैसे पहुंचाती है, क्या तुम्हें रोकती है वो ध्यान व्यान करने के लिए, अपने आप को जानने में। सबसे पहले जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, हु आर यू। बात अभी भी वही बदलने वाली बात, ड्रिफ्ट वाली बात पे बात आगे चल रही है। इस आदमी ने पूछा, अगर ठीक है वाइफ को नहीं छोड़ूं, फैमिली को नहीं छोड़ूं, तो क्या मैं अपनी पैसे रुपए को और घर को तो छोड़ सकता हूं अगर मुझे संन्यास लेना हो। तो रमण कहते हैं, सबसे पहले समझो कि संसार क्या है
और ये देखने की कोशिश करो कि क्या आसपास के जगहों में, तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को जान पाया हो, सेल्फ रियलाइज्ड हो पाया हो। तो फाइनली जा करके इन्होंने उनसे पूछा, अच्छा ठीक है, बताइए कि अपने आप को जानने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो मुझे बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कौन कौन से स्टेप्स मैं ले सकता हूँ खुद को जानने के लिए। रमण कहते हैं, जो स्टेप्स तुम खोज रहे हो वो तो डिपेंड करता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन पे और तुम्हारे स्वभाव पे। तो इस आदमी ने कहा, मैं तो आइडल वर्शिप करता हूँ, मैं तो मूर्ति पूजा करता हूँ। रमण ने कहा, ठीक है, अगर तुम मूर्ति पूजा करते हो तो करते रहो, उसी चीज़ को करते रहो और अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए साधो। एक जगह पर जब तुम्हारा माइंड आ सके तब तुम्हारे लिए चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। सब लोग यही सोचते हैं कि मोक्ष कहीं बाहर किसी और के ज़रिए, किसी और दुनिया में मिलता है, लेकिन वो सब गलत हैं। मोक्ष कहीं और नहीं मिलता, तुम्हारे ही अपने सेल्फ में मिलता है जब तुम खुद को जान जाते हो। और ये जो जन्म और मरण का चक्र है, ये कहीं और बाहर नहीं है, ये तुम्हारे ही अपने माइंड के अंदर है। अगर इस माइंड के अंदर जन्म और मरण का चक्र है तो तुम इसके बाहर कैसे इसका सोल्यूशन खोज सकते हो? और अर्जुन ने जिस क्वेश्चन को पूछा था, वही कृष्ण से, वही इस क्वेश्चन को इस आदमी ने पूछा रमन से। उन्होंने कहा कि मेरा माइंड बहुत अनस्टेडी है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं क्या करूं उसके लिए? तो रमण कहते हैं कि इसको एक चीज़ पर फिक्स करो, किसी एक चीज़ पर, और उस चीज़ के साथ रहने की कोशिश करो। इस चीज़ इसमें अगर आप चाहते हैं तो अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं, नेचर पर ध्यान दे सकते हैं, अपने मन में कोई थॉट चल रहा है, विचार चल रहा है, उसको देख सकते हैं, बट किसी भी तरह से किसी एक चीज़ पर आओ, तभी तुम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो ये आदमी कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत मुश्किल काम है। तो रमन बहुत ही प्यार से कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, शुरू में ये मुश्किल होगा, अगर तुम सांस की हेल्प लेते रहोगे तो कंसंट्रेशन आसान हो जाएगा और धीमे धीमे तुम देखोगे एक स्टेज ऐसा आएगा जब तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम्हारे लिए एक एक उपाधि की तरह मिलेगा, एक गिफ्ट की तरह मिलेगा। उसमें रमन ने कहा था, तुम्हें क्राउन की तरह मिलेगा। जब तुम कोई तपस्या करते हो, उस तपस्या का जो आखिरी स्टेज होता है, वो जो फल मिलता है वो तुम्हें मिलेगा। तो किसी और फल की कल्पना करने के बजाय तुम अपने आप को फोकस करने की कोशिश करो, फोकस करने की कोशिश करो, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि तुम्हें गिफ्ट के फॉर्म में कंसंट्रेशन मिलेगा। तो ये आदमी रमण को सजेस्ट कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि क्या ब्रह्मचर्य और सात्विक खाना कंसंट्रेशन में हेल्प करता है कि नहीं हेल्प करता है? तो रमण ने बहुत कुछ बोला नहीं इसके लिए, उन्होंने कहा, बिल्कुल करता है, बिल्कुल। फिर इस आदमी ने पूछा कि क्या मुझे योग करना चाहिए? रमन ने कहा, योग का मतलब क्या होता है समझते हो? जैसे पूजा एक तरह का कंसंट्रेशन का टेक्निक है, ठीक ऐसे ही अपनी एनर्जीज को इकट्ठा कर कर एक जगह ला पाना, कंसंट्रेशन करना, उसी का एक और नाम है योग, रमन के हिसाब से। तो उन्होंने पूछा, कोई तरीका है कंसंट्रेशन में? कोई तो हेल्प मुझे बता दीजिए। रमन कहते हैं, अगर तुम अपनी सांस को देखते रहो और उसको रेगुलेट करते रहो तो उससे तुम्हें बहुत मदद मिल जाएगी। फिर इस आदमी ने वही सवाल पूछा जो पुराना एक बार किसी और ने पूछा था, कि क्या अगर मैं योग करूं और कंसंट्रेट करूं और पूजा पाठ करूं तो क्या मुझे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे? तो रमण कहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप से पूछो कि किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो, जिसको तुम दर्शन करना चाहते हो, उसको जानते भी हो? क्योंकि अगर तुम्हारे सामने कोई कृष्ण, कोई राम, कोई शंकर आएगा तो उसको तुम कैसे पहचानोगे कि वो सचमुच का भगवान है या तुम्हारी कल्पना है? क्योंकि हमारे सामने जब इंसान खड़े होते हैं तो उनको तो हम पहचान नहीं पाते, कौन आदमी ईमानदार है और कौन आदमी फर्जी है, नकली है। तो जब तुम्हारे सामने भगवान दिखाई दे सकता है, हो सकता है तुम्हारा हेलुसिनेशन हो, मन की कल्पना हो। तो तुम्हारे सामने जब तुम्हें भगवान दर्शन देंगे तो उनकी रियलिटी को कैसे पहचानोगे, उसको जानोगे कैसे कि वो सचमुच के भगवान हैं? बोलते बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको भगवान दर्शन देते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने खुद अपने अंदर में भगवान को नहीं जाना है। फिर ये आदमी पलट करके दूसरे सवाल पे आ गया। उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं मंत्र जप करूं, कृष्ण का या राम का या किसी और का नाम जप करूं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो हेल्प होगी? रमण कहते हैं, मंत्र जप तभी हेल्पफुल होती है जब इसको हम मेंटली करते हैं, मुंह से नहीं, बोल बोल के नहीं, जब हम मेंटली करते हैं तभी मंत्र जप तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने में और तुम्हारे सेल्फ को खोने में, लूज़ करने में, तुम्हारे ईगो को ख़त्म करने में। कितनी कन्फ्यूजन है हमारे दिमाग में, हम लोग जब भी रमण जैसे लोगों से बात करते हैं तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी ऐसे पूछते हैं जैसे हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर ये आदमी पूछता है रमण से, अच्छा ये बताइए, जो यूनिवर्सल सोल है, मतलब परमात्मा,
क्या हमसे अलग है कि हम ही यूनिवर्सल सोल हैं? हम तो केवल खुद को ही जानते हैं, लेकिन ये आदमी बात कर रहा है यूनिवर्सल सोल की। तो रमण कहते हैं कि नॉर्मली लोग यही बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सल सोल हमसे अलग है, परमात्मा हमसे अलग है, लेकिन ये गलत विचार है। असल में तुम्हें अगर सेल्फ के बारे में कभी सोचो तो ये जानो कि जो भी यूनिवर्सल सोल है, जो गॉड है, वो तुम्हारे सेल्फ से अलग नहीं है। तो आदमी पूछता है कि अच्छा ये बताइए, जो अद्वैत की पढ़ाई होती है उसमें भी तो आदमी गॉड बनने की ही क्ले करता है? अद्वैत को अगर पढ़ ले तो आदमी खुद भगवान ही तो बनना चाहता है। तो रमण कहते हैं, बनना क्या है, ये कौन है तुम्हारे दिमाग में जो इस तरह की बातें विचार को प्रोड्यूस करता है? वो विचार सच है या कोई और चीज़ है जो सच है? जब ये विचार डिसॉल्व होगा, जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा और जो तुम्हारा इस शरीर के साथ जो आइडेंटिटी है वो जब ख़त्म होगी, तब तुम सेल्फ को जान पाओगे। तो ये आदमी कहता है कि मतलब मैं समझा नहीं, मैं सेल्फ को कैसे डिसॉल्व हो जाएगा? तो रमण कहते हैं, एक बात बताओ, जब तुम सो जाते हो तो उस समय अपने तुम्हारे सेल्फ का तुम्हें एहसास होता है? जब तुम सपना देखते रहते हो तो तुम्हें अपने सेल्फ का एहसास होता है? ठीक ऐसे ही एक मौका, एक टाइम आता है तुम्हारी साधना में कि तुम्हारा सेल्फ ख़त्म हो जाता है, और वही टाइम है जब तुम अपने ट्रू सेल्फ के साथ वन होते हो। तो सहारा मांग रहा था ये आदमी, कहता है कि एक बात बताइए रमण, क्या मास्टर की गाइडेंस, अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो इसके साथ मास्टर की गाइडेंस मुझे हेल्प नहीं करेगी क्या? इसकी ज़रूरत नहीं है? तो रमण कहते हैं, अगर तुम्हें मास्टर कोई मिलता नहीं है और तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला मिलता नहीं तो कैसे शुरू करोगे? तो वहीं से शुरू करो। तो ये आदमी कहता है कि फिर तो मैं किताबों को पढ़ूंगा, सेक्रेट बुक्स को पढ़ूंगा। रमण कहते हैं, हाँ ठीक है, पढ़ो उनको, और ये समझो कि जब तुम किसी स्पेसिफिक मास्टर को अपना मास्टर नहीं मानते हो, बाहर किसी आदमी को अपना मास्टर नहीं मानते हो, उस कंडीशन में जो भगवान है वही तुम्हारा मास्टर बनके तुमको गाइड करता है। इसलिए कभी भी डिफ्रेंशिएट मत करो कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक फिजिकल गुरु मिले और वो तुम्हें गाइड करे। जो तुम्हारा रियल गुरु है वो तुम्हारा अपना गॉड है जो तुम्हें हमेशा गाइड करता रहता है, उसी की हेल्प लो। अब एक नया सवाल आ गया इसके पास। ये आदमी कह रहे हैं कि अगर भगवान, मान लीजिए मैंने कोई पुण्य किया है, किसी के साथ भला किया है, तो वो जो भलाई है हमको छोड़ तो नहीं देगी? जो अच्छा काम किया है वो तो हमारे साथ रहती है ना? तो कहते हैं, ब्रह्मण कहते हैं कि बिल्कुल, जो भी तुम्हारा प्रारब्ध होता है, जिस तरह से भी तुमने पास्ट में काम किया होता है, वो हमेशा तुम्हें मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे ख़राब। तो ये आदमी ब्रह्मण से कह रहा है कि तो क्या समझदार लोग, वाइज मास्टर्स मुझे हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे? तो बोलते हैं, बिल्कुल आएंगे, अगर तुम अपने अंदर की रोशनी को मदद ले लेकर के आगे बढ़ते रहोगे तो जो तुम्हारे अपने खुद के मास्टर हैं वो तुमसे खुद मिलने आएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर एक और नया सवाल, सवालों के सवाल हमारे अपने विचार, ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कोई डिफरेंस है कि दोनों एक ही चीज़ हैं? तो रमण ने बहुत ही सिंपली कहा कि दोनों ही एक ही चीज़ हैं, खाली तरीके अलग अलग हैं। एक और दोनों का पर्पज़ ये है कि आप अपने सेल्फ को डिसॉल्व कर सको। तुम्हारा सेल्फ जब ख़त्म होता है तो तुम अपने आप को वहीं पाते हो। एक योगी अपने आप को वहीं पाता है जहाँ पर एक अपने आप को भक्त पाता है। इसलिए इन दोनों रस्तों में डिफ्रेंशिएट मत करो और चूज़ करने की कोशिश मत करो, दोनों एक ही हैं। अब एक नया सवाल स्वर्ग के बारे में, ये आदमी पूछ रहा है कि क्या सचमुच में स्वर्ग होता है कि खाली किताबों में लिखी बातें हैं? तो रमण कहते हैं, बिल्कुल होता है, जैसे कि ये एग्जिस्टेंस है तुम्हारे आसपास, ठीक वैसे ही स्वर्ग भी होता है। लेकिन इसकी चिंता मत करो, स्वर्ग की चिंता, क्योंकि जो आदमी अपने सेल्फ को जान लेता है उसको स्वर्ग, नर्क और इस फिजिकल वर्ल्ड और किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आदमी कहता है लास्ट में, फिर हम लोग इस जन्म और मरण के चक्र से बाहर कैसे निकलेंगे? रमण कहते हैं, ठीक है, तुम निकल सकते हो जन्म मरण के चक्र से, अगर तुम अपने आप से ये पूछना शुरू कर दो कि वो कौन है जो पैदा होता है और कौन है जिसको ये सारी की सारी दुनिया परेशान कर पाती है। तुम नहीं हो वो ये फिजिकल बॉडी है और ये माइंड है, क्योंकि तुम वो एंटिटी हो जो सोते समय अपने सेल्फ में चला जाता है, अपने ट्रू सेल्फ के फॉर्म में चला जाता है, उसका जन्म नहीं होता है। जो एंटिटी तुम्हारे अंदर में सोती है और बिना शरीर के फॉर्म में रहती है, वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेती है, कोई और एंटिटी है, फिजिकल बॉडी और फिजिकल फॉर्म। तो जब तक अपने आप को इस फिजिकल बॉडी और फिजिकल फॉर्म के साथ तुम आइडेंटिफाई करोगे, तुम्हारा जन्म और मरण होता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने ट्रू सेल्फ को पकड़ पाओगे, तुम ये पहचानोगे कि कोई जन्म और कोई मरण है ही नहीं, जो भी तुम्हारे आसपास है सब कुछ ब्लिस है। इस शरीर और इस माइंड से दुख, परेशानी, मिजरी सब कुछ जुड़ी हुई है। तो जब तक तुम इस शरीर को
पैदा और मरना इसके बारे में सोचते रहोगे तब तक तुम होगे, बिकॉज तुम इस शरीर के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। और जैसे ही तुम अपने ट्रू सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करोगे, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, जब उस फॉर्म में जाओगे तब तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता है। दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग जनों का एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी, और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर, बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, बट मैं चाहता हूँ कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं, वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है, और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट में रिसेशन आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स, और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।